दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूं सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बेहद ही दिलचस्प कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी युद्ध के समाप्त होने के तुरंत बाद सन 1902 के जून के आखिरी दिन थे। शेरलॉक होम्स कई दिनों से अपने बिस्तर पर ही पड़ा हुआ था, जैसे कि उसको अक्सर करते रहने की आदत थी। लेकिन एक दिन सुबह वो अपने हाथ में एक लंबा सा दस्तावेज और अपनी स्लेटी आंखों में उत्साह की चमक लिए मेरे पास आया और मुझसे बोला, हे मेरे दोस्त वॉटसन, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे कमाने का एक मौका है। क्या तुमने कभी गैरी डेब के बारे में सुना है? गैरी डेब? मैंने गैरी डेब नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए मैंने शेरलॉक होम्स से कहा कि मैंने नहीं सुना। तो शेरलॉक मुझसे बोला, देखो वॉटसन, अगर तुम गैरी डेब नाम के व्यक्ति को ढूंढ सको तो तुम्हें काफी पैसा मिल सकता है। मैंने कहा, काफी पैसा मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? तो शेरलॉक बोला, हाँ वॉटसन, ये एक लंबी कहानी है और थोड़ा सा दिमाग घुमा देने वाली भी। मुझे नहीं लगता कि इंसानी दिमाग की जटिलताओं की सारी खोजों में हमें इससे ज्यादा अजीब केस कभी मिला है। वैसे हमारा क्लाइंट यहां आने ही वाला होगा, इसलिए मैं उसके आने तक इस केस को नहीं खोलूंगा। हाँ, लेकिन उसके आने से पहले हम ये काम कर सकते हैं कि हम इस नाम को ढूंढें। टेलीफोन डायरेक्टरी वहीं पर मेरे बगल वाली मेज पर पड़ी हुई थी। मैंने वो टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई और बेमन से उसके पन्ने उलटने पलटने लगा। लेकिन मेरी हैरानी की सीमा तब नहीं रही जब मैंने वो नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में मौजूद देखा। वो नाम शेरलॉक को दिखाते हुए मैं खुशी से चीखा, ये देखो शेरलॉक, ये रहा वो नाम। शेरलॉक ने मेरे हाथ से वो टेलीफोन डायरेक्टरी लिया और उस नाम को पढ़ने लगा, गैरी डेब एन 136 लिटिल राइडर्स स्ट्रीट W। मैं तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूं वॉटसन, लेकिन ये वही आदमी है जो यहां आने वाला है, क्योंकि चिट्ठी में यही पता लिखा था। हम इसके अलावा कोई दूसरा गैरी डेब ढूंढना है। तभी मिसेज हडसन कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक ट्रे था और उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ था। मैंने उस ट्रे में से वो कार्ड उठाया और उसे पढ़कर दोगुने उत्साह के साथ शेरलॉक से कहा, कमाल है शेरलॉक, एक और गैरी डेब अपने आप ही पैदा हो गया। ये देखो, ये भी गैरी डेब है, जॉन गैरी डेब, लॉ काउंसलर, मूरविल, कैंसस, USA। शेरलॉक ने मेरे हाथ से वो कार्ड लिया और उसे पढ़ा और फिर मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और मुझसे बोला, हाँ वॉटसन, तुम्हें फिर से एक और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वाले सज्जन भी पहले से ही इस किस्से में मौजूद हैं। हालांकि निश्चित रूप से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज ही मेरी मुलाकात इससे भी हो जाएगी। वैसे ये आदमी हमें काफी कुछ बता सकता है जो मैं जानना चाहता हूं। हमें उस आदमी का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही वो हमारे कमरे में मौजूद था। लॉ काउंसलर मिस्टर जॉन गैरी डेब एक छोटे कद का मगर ताकतवर आदमी मालूम पड़ रहा था, गोल, फ्रेश और क्लीन शेव्ड चेहरे वाला। उसकी आंखें बेहद चमकीली और सतर्क थी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मन में चल रहे भावों को उसकी आंखों में साफ साफ पढ़ा जा सकता है। बोलने के लहजे से वो अमेरिकन लग रहा था। उसने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप मिस्टर होम्स हैं, मेरे ख्याल से आपको मेरे ही नाम के एक और आदमी ने एक खत लिखा होगा। उसका नाम है नेथन गैरी डेब, है ना? शेरलॉक ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए उस आदमी से कहा, प्लीज हैव अ सीट, मेरे ख्याल से हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है। आप निश्चित रूप से वही जॉन गैरी डेब हैं जिसका इस दस्तावेज में जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ समय से आप इंग्लैंड में रह रहे हैं। जॉन गैरी डेब बोला, आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं मिस्टर होम्स? आपके पहनावे को देखकर, आपका पहनावा पूरी तरह से इंग्लिश है। शेरलॉक की बात सुनकर मिस्टर जॉन गैरी डेब बेमन से मुस्कुराए और बोले, मैंने आपकी तरकीबों के बारे में बहुत पढ़ा है मिस्टर होम्स, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उनका विषय बन जाऊंगा। वैसे आपने ये कैसे जाना कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूं? शेरलॉक बोला, आपके कोट के कंधे के कट से और आपके बूटों के पंजों से, बस यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो मेरी नजरों से नहीं बचती। मिस्टर जॉन गैरी डेब बोले, ओह, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने साफ तौर पर ब्रिटिश नजर आता हूँ। बिजनेस के सिलसिले में कुछ समय पहले मैं यहाँ आया था, और इसीलिए शायद, जैसा कि आपने कहा, कि
कि मेरा पहनावा पूरी तरह से लंदन में रहने वाले लोगों की तरह हो गया है। और हालांकि आपका समय बहुत कीमती है और मुझे लगता है कि हम यहाँ मेरे कोट के कट, मेरे जूतों के कट के बारे में बात करने के लिए नहीं मिले, तो मिस्टर होम्स, आपके हाथों में जो दस्तावेज है, क्या हम उसके बारे में बात करें? शेरलॉक बोला, जरा धैर्य रखिए मिस्टर गैरी डेब। डॉक्टर वॉटसन आपको बताएंगे कि टॉपिक से हटकर अक्सर जो मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ, ये केस में असर डालने के लिए ही होती हैं। और यकीन मानिए, केस इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से ही काफ़ी हद तक हल हो जाता है। अच्छा, ये सब छोड़िए, आप ये बताएं कि मिस्टर नेथन गैरी डेब आपके साथ क्यों नहीं आए? ये बात सुनकर हमारा मेहमान गुस्से में आ गया और वो बोला, उसने आपको इस मामले में क्यों घसीटा? इससे भला आपका क्या लेना देना था? दो लोगों के बीच के बिजनेस की बात थी और एक ने तो जासूस बुला लिया। क्या बेहूदगी है। मैं आज सुबह उससे मिला और तब उसने मुझे बताया कि उसने ऐसा किया है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है। अब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है मिस्टर गैरीडेब। काम को पूरा करने के लिए वो आदमी कुछ ज्यादा ही उत्साहित था और वो काम कुछ ऐसा काम है जो मेरे ख्याल से आप दोनों के लिए ही काफ़ी ज़रूरी है। वो जानता था कि मेरे पास जानकारियां प्राप्त करने के साधन हैं, इसीलिए उसने मुझसे संपर्क किया। शेरलॉक की बात सुनकर मिस्टर गैरी डेब का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। ओह अच्छा, ये बात है। आज सुबह जब मैं उससे मिला था तब उसने मुझे बताया कि उसने एक जासूस से बात की है, तो मैंने फट से आपका नाम पता लिया और तुरंत यहाँ आ गया। मैं ये नहीं चाहता कि पुलिस हमारे निजी मामले में दखल दे, लेकिन अगर आप उस आदमी को खोजने में हमारी मदद करते हैं तो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं यही करने वाला हूँ। तो अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं जेंटलमैन, तो मैं सब कुछ आपके मुंह से साफ साफ सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन को इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। शेरलॉक की ये बात सुनकर मिस्टर गैरी डेब ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और फिर बोले, आपके दोस्त क्या जानना चाहते हैं? मैं आपको संक्षेप में सारी बात बता देता हूँ। अगर आप कैंसास के बारे में ज़रा भी जानते हैं तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरी डेब कौन थे। उन्होंने रियल एस्टेट में बहुत मोटा पैसा बनाया था। बाद में वो शिकागो चले गए और वहाँ भी उन्होंने व्हीट पिट से बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन पैसों को उसने बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदने में खर्च कर दिया। वो इतनी ज़मीन थी जिसमें एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। वो ज़मीन सोना उगलती थी क्योंकि वो चराई और लकड़ी के लिए भी काम की थी। उसमें खेती हो सकती थी और वो खनिजों से भरी हुई थी। उस ज़मीन के ऊपर हर वो काम हो सकता था जो उसके मालिक पर डॉलरों की बरसात कर देता। मिस्टर हैमिल्टन का कोई परिवार या दोस्त नहीं था, और अगर था भी तो मैंने उनके बारे में नहीं सुना। उनको अपनी नाम की विचित्रता पर बहुत गर्व था और यही हमारी मुलाकात की वजह बनी। मैं टॉपिका में कानून सलाहकार था और एक दिन वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने ही नाम के किसी दूसरे व्यक्ति से मिल पाए तो ये बात उनके लिए बड़ी ही खुशी की होगी। ये उनकी दिली इच्छा थी और एक प्रकार से सनक भी। वो ये पता लगाने के लिए कुछ भी कर सकते थे कि इस दुनिया में गैरी डेब नाम के और भी लोग हैं। उन्होंने ही मुझसे कहा कि मेरे लिए दूसरे गैरी डेब्स ढूंढ के लेकर आओ। तब मैंने उनसे कहा कि मैं एक बिजी आदमी हूँ और गैरी डेब्स की तलाश में पूरी दुनिया में पैदल यात्रा नहीं कर सकता। मेरी इस बात पर उन्होंने कहा कि अगर वैसा ही होता है जैसा मैं चाहता हूँ तो बहुत जल्द तुम बाकी सारे काम छोड़कर सिर्फ यही और यही काम करोगे। पहले तो मुझे लगा कि वो सिर्फ एक मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनके मुंह से कहे गए हर एक शब्द के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा हुआ था। लेकिन फिर हुआ यूं कि इस बात के एक साल के भीतर ही उनकी मौत हो गई और वो अपने पीछे एक वसीयत छोड़कर गए। ये अब तक की सबसे अजीब वसीयत थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी थी। उनकी पूरी जायदाद को 3 हिस्सों में बांटा गया था और उनमें से एक हिस्सा मुझे मिलना था, लेकिन शर्त सिर्फ ये थी कि मुझे बाकी के 2 गैरी डेब्स भी ढूंढने थे जिनको वो दोनों हिस्से मिलने थे। क्या आप जानते हैं कि हर एक को मिलने वाली रकम कितनी थी? पूरे $5 मिलियन। लेकिन परेशानी सिर्फ ये थी
कि हम उन पैसों पर तब तक दावा नहीं कर सकते थे जब तक हम तीनों एक लाइन में नहीं खड़े हो जाते। दौलत कमाने का यह मौका इतना बड़ा था कि मैं अपनी कानूनी प्रैक्टिस को बंद करके गैरी डेप्स को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन बदकिस्मती ये कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक भी गैरी डेप नहीं। मैंने पूरा देश छान मारा मगर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसका सरनेम गैरी डेप हो। फिर मैंने यूरोप में कोशिश की। निश्चित रूप से लंदन की टेलीफोन डायरेक्टरी में मुझे एक गैरी डेप मिल गया। मैंने उस टेलीफोन डायरेक्टरी से उसका पता निकाला और दो दिन पहले उसके पास गया और उसे इस मामले के बारे में बताया। लेकिन बदकिस्मती से वो भी अकेला ही गैरी डेप है, मेरी तरह। उसके कुछ महिला रिश्तेदार हैं लेकिन कोई पुरुष गैरी डेप नहीं। वसीयत में साफ साफ लिखा गया है कि ये तीनों गैरी डेप पुरुष ही होने चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं मिस्टर होम्स, हमारे लिए एक जगह अभी भी खाली है। अगर आप इस जगह को भरने में हमारी मदद कर सकें तो हम आपकी फीस का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। शेलॉक ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर मुझसे बोला, देखा वॉटसन, मैंने कहा था ना ये केस थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। अब अच्छा ये बताइए मिस्टर गैरी डेप, क्या ये ठीक नहीं रहता कि आप अखबारों में सीधे सीधे एक इश्तेहार दे देते? मैं वो कर चुका हूँ मिस्टर होम्स, पर कोई जवाब नहीं आया। ओह अच्छा, अब ये तो बुरा हुआ। ये एक छोटी सी समस्या है, मैं अपने फुर्सत के समय में इस पर नज़र डालूंगा। वैसे दिलचस्प तो ये भी है कि आप टोपेका से हैं। असल में वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे जानकार थे जो अब मर चुके हैं, डॉक्टर लाइजेंडर स्टार। 1890 में वो वहाँ के मेयर भी थे। ओह डॉक्टर लाइजेंडर स्टार, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो वहाँ काफ़ी प्रचलित थे। वहाँ के लोग आज भी उनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लेते हैं। खैर अब मैं चलता हूँ मिस्टर होम्स, अगर आप इस समस्या में हमारी कुछ मदद कर सकें तो उसके लिए ज़रूर समय निकालिएगा। शेलॉक ने कुछ पल सोचा और उसके बाद बोला, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दो दिन में हमें जो कुछ भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। उसके बाद मिस्टर गैरी डेप वहाँ से चले गए। होम्स ने अपना पाइप जलाया और मुस्कुराते हुए कुछ देर यूं ही बैठा रहा। आखिरकार मैंने ही उससे कहा, शेलॉक क्या सोच रहे हो? शेलॉक मुस्कुराया और बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इतनी भद्दी तरह की झूठी कहानी सुनाने के पीछे इस आदमी का क्या मकसद रहा होगा। मैं ये बात सीधे सीधे उसी से पूछने वाला था क्योंकि कई बार सीधे सीधे हमला करना ही सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं उसको सोचने दूं कि उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कोट कोहनियों में से घिसा हुआ है और पतलून घुटनों में से, और उसके बाद भी इस दस्तावेज के हिसाब से और खुद उसकी बताई हुई कहानी के हिसाब से वो हाल ही में लंदन आया है। और ऊपर से जो उसने विज्ञापन की बात कही, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा कोई भी विज्ञापन अखबारों में नहीं छपा। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो वॉटसन, मैं कभी भी अखबारों में इस तरह की कोई खबर मिस नहीं करता। अगर किसी भी अखबार में इस तरह का कोई अजीब इश्तेहार छपा होता तो वो मेरी नज़र से नहीं बच पाता। और एक और बात, टोपेका के डॉक्टर लाइजेंडर स्टार को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। असल में इस नाम का कोई शख्स है ही नहीं। तो इस बात से ये साबित होता है कि उस आदमी की हर एक बात झूठ और सिर्फ झूठ है। मेरे ख्याल से वो अमेरिकन तो है मगर लंदन में इतने सालों से रहने के कारण उसका एक्सेंट थोड़ा बदल गया है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि उसका असली खेल क्या है और गैरी डेप की इस बेतुकी खोज के पीछे उसका असली मकसद क्या है। ये तो साफ हो चुका है कि ये आदमी एक पक्का धूर्त है और इसके इरादे निश्चित रूप से जटिल और खतरनाक है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या वो दूसरा आदमी भी धोखेबाज है। जरा टेलीफोन डायरेक्टरी में से उसका नंबर निकालकर उसे फोन लगाना वॉटसन। मैंने ऐसा ही किया, मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में से नेथन गैरी डेप का नंबर निकालकर उसे कॉल किया। लाइन की दूसरी तरफ से एक पतली कांपती हुई आवाज मुझे सुनाई दी। जी हाँ, मैं नेथन गैरी डेप हूँ। क्या शेलॉक होम्स वहाँ पर हैं? मुझे उनसे बात करनी है। उसके बाद शेलॉक ने मेरे हाथ से रिसीवर ले लिया और लाइन की दूसरी तरफ वाले शख्स से बात करने लगा। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो बोला, हाँ वो यहाँ आया था, शायद आप उसे नहीं जानते। अब अच्छा आप उसे जानते हैं, कितने समय से?
ओह, सिर्फ 2 दिनों से? हाँ, ये ठीक रहेगा। हम आज शाम आपसे मिलने आ सकते हैं आपके घर पर, पर वहाँ पर आपका वो हमनाम तो नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, हम उसी वक्त आएंगे। मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग बात कर रहे हों तब वहाँ पर आपका वो हमनाम मौजूद ना हो। हाँ, डॉक्टर वॉटसन भी मेरे साथ आएंगे। आपके खत को पढ़कर ही मैं समझ गया था कि आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। हाँ चलिए ठीक है, आज शाम 6 बजे हम आपके घर पर मिलते हैं। और हाँ, अपने उस अमेरिकी वकील से इस बात का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुड बाय। ये एक खूबसूरत वसंत की शाम थी, और यहाँ तक कि लिटिल राइडर स्ट्रीट भी डूबते सूरज की तिरछी किरणों में बहुत ही अद्भुत और सुनहरी नज़र आ रही थी। जिस खास घर में हमें जाना था वो बेहद ही पुरानी जॉर्जियन स्टाइल में बनी बिल्डिंग में था। उसकी सपाट दीवारें ईंटों की थी, जिनके बीच में ग्राउंड फ्लोर पर 2 खिड़कियां थी। उसी ग्राउंड फ्लोर पर हमारा क्लाइंट रहता था, और वो 2 विशाल खिड़कियां उसी कमरे की थी जिस कमरे में वो अपना अधिकतर समय बिताया करता था। पीतल की एक छोटी नेम प्लेट पर उस क्लाइंट का नाम लिखा हुआ था। शेलक होम्स ने पीतल की उस नेम प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, ये नेम प्लेट देख रहे हो वॉटसन, ये कुछ साल पुरानी है। इसका मतलब ये उसका असली नाम है, और ये ध्यान देने वाली बात है, ये कोई रिहायशी फ्लैटों का संग्रह नहीं था, बल्कि बोहेमियन कुंवारे लोगों का एक अड्डा जैसा था। हमारे क्लाइंट ने खुद हमारे लिए दरवाज़ा खोला और ये कहकर माफ़ी मांगी कि उसकी हाउसमेड 4 बजे ही घर चली गई। मिस्टर नेथन गैरीडेब करीब 60 साल की उम्र के, बहुत ही लंबे, ढीले ढाले और झुकी हुई कमर वाले, दुबले पतले और गंजे व्यक्ति थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था कि कसरत से उनका दूर दूर का कोई नाता नहीं था। आंखों में बड़ा गोल चश्मा और चिन में एक बकरे जैसी दाढ़ी, कुल मिलाकर वो मुझे मिलनसार लगे, मगर थोड़े अजीब भी। वो कमरा भी उन्हीं की तरह अजीब था, जो एक छोटे से म्यूजियम की तरह दिखाई दे रहा था। ये बड़ा और गहरा दोनों था, जिसमें चारों तरफ अलमारियां और कैबिनेट्स लगे हुए थे, जो जियोलॉजी और एनाटॉमी के नमूनों से भरी पड़ी थी। मेन दरवाजे के दोनों तरफ कीट पतंगों और तितलियों के केस रखे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी, जिसमें दुनिया भर का कचरा फैला हुआ था, और एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप की लंबी पीतल की नली उसके बीच में थी। जब मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा, तब उसकी इतनी सारी अलग अलग चीजों में रुचि देखकर मैं हैरानी में पड़ गया। कहीं पर प्राचीन सिक्कों का डब्बा रखा हुआ था, तो कहीं पर यंत्रों से भरी हुई अलमारी। कमरे के ठीक बीच में रखी टेबल के पीछे फॉसिल बोन्स से भरी हुई एक बड़ी अलमारी थी। ऊपर प्लास्टर से बनी हुई कुछ खोपड़ियां थी, जिनके नीचे नाम लिखे हुए थे, जैसे नियंडरथल, हिडलबर्ग, क्रोमैग्नॉन। इससे ये तो साबित हो गया था कि वो कई विषयों का अध्ययन कर रहा था। अभी भी जब वो हमारे सामने खड़ा था, उसके एक हाथ में चमड़े का एक टुकड़ा था, जिससे वो एक सिक्के को पॉलिश कर रहा था। वो सिक्का हमें दिखाते हुए बोला, ये सायराकुसन सिक्का है, सबसे अच्छे दौर का। अंत तक आते आते ये काफी खराब हो गए थे। अब माफ करना, मैं भूल गया, आइए बैठिए मिस्टर होम्स, अब यहाँ पर एक कुर्सी है, रुके मैं इन हड्डियों को साफ कर देता हूँ। उसके बाद नेथन गैरीडेब ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, अब आप सर, ओह हाँ, आप डॉक्टर वॉटसन हैं। अगर आप उस फूलदान को वहाँ से हटाने का कष्ट करेंगे तो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं डॉक्टर वॉटसन। अब माफ़ कीजिए, मेरा कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त है क्योंकि यहाँ ज़्यादा मेहमान नहीं आते, और ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, यही मेरी ज़िंदगी है। मेरे डॉक्टर मेरे बाहर नहीं निकलने की वजह से अक्सर मुझे ताना देते रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर बाहर जाकर मैं करूँगा क्या, जबकि यहाँ पर करने के लिए मेरे पास इतना कुछ है। ये जो सामने अलमारी देख रहे हैं, इसमें रखे सामान की अगर मैं लिस्ट बनाने बैठूं तो मुझे पूरे 3 महीने लग जाएंगे, तो अब आप ही देखिए कितना काम है मेरे पास। होम्स ने उत्सुकता से चारों तरफ देखा और बोला, ओह, तो आप कहना चाहते हैं मिस्टर गैरीडेब कि आप कभी बाहर नहीं जाते? नहीं, जाता हूँ, कभी कभी साउथ बी तक जाता हूँ, कभी क्रिस्टी तक, लेकिन उसके अलावा कभी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। अब मेरा शरीर ज़्यादा मजबूत नहीं है, रिसर्च मेरी इस तरह की है कि उसमें एक बार खो जाऊं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं।
लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं मिस्टर होम्स कि मेरे लिए यह कितना भयानक सदमा था। थोड़ा सुखद तो था लेकिन साथ ही भयानक भी, जब मैंने इस अनोखी वसीयत के बारे में सुना। उसकी शर्त को पूरा करने के लिए अब बस एक और गैरी डेप की जरूरत है, और निश्चित रूप से एक गैरी डेप को तो हम ढूंढ ही सकते हैं। गैरी डेप नाम से मेरा एक भाई भी था, लेकिन अब वो मर चुका है, और जो बाकी महिला रिश्तेदार हैं वो इस वसीयत के लिए एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से इस दुनिया में गैरी डेप नाम से और भी लोग होंगे। मैंने सुना है शेरलॉक होम्स, आपने बड़े ही अजीब अजीब केसेस को बड़ी आसानी से हैंडल किया है, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया। नेथन गैरी डेप की बात सुनकर शेरलॉक बोला, हाँ ये आपने बहुत ही समझदारी का काम किया है। शेरलॉक आगे बोला, लेकिन आप ये बताएं मिस्टर गैरी डेप, क्या आप सच में अमेरिका में प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं सर, मैं यहाँ से अपना कलेक्शन छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन उस सज्जन ने मुझे ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही हम अपने हिस्से के लिए दावा करेंगे वो मुझे मेरा हिस्सा कैश में दे देंगे, पूरे $5 मिलियन। फिलहाल बाजार में कुछ ऐसे सैंपल्स हैं जिनका मेरे इस कलेक्शन में कमी है। मैं 100 पाउंड के अभाव की वजह से उन्हें खरीद नहीं पा रहा था। अब जरा सोचिए, पूरे $5 मिलियन के साथ मैं क्या क्या कर पाऊंगा। इतने पैसों में तो मेरा कलेक्शन नेशनल लेवल का बन जाएगा, इस जमाने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। जब मिस्टर नेथन गैरी डेप पूरे जोश के साथ अपनी ये बात कर रहे थे, तब चश्मे के पीछे चमकती उनकी आंखों को हम साफ देख सकते थे। शेरलॉक बोला, अब मैंने तो बस आपका परिचय जानने के लिए आपको कॉल किया था मिस्टर नेथन गैरी डेप। आपके इस महान काम में किसी तरह की बाधा डालने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। असल में जिन लोगों के साथ मैं डील करता हूँ तो उन लोगों के साथ पर्सनल संबंध बनाना मुझे पसंद है। बस मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए, आप उस अमेरिकन आदमी को कब से जानते हैं? मिस्टर नेथन गैरी डेप बोले, मैंने आपको फोन में भी बताया था, यही कोई 2 दिनों से जानता हूँ मैं उसे। पिछले मंगलवार को ही उसने मुझे फोन किया था। शेरलॉक बोला, अच्छा क्या उसने आपको हमारी आज की मीटिंग के बारे में बताया? हाँ, वो आपसे मिलने से पहले मेरे पास ही आया था, तब वो बहुत गुस्से में था। शेरलॉक ने पूछा, अच्छा वो गुस्से में क्यों था? उसको लग रहा था कि ये उसके सम्मान में एक धब्बा है, लेकिन जब वो आपसे मिला और वापस आया तब वो काफी खुश लग रहा था। शेरलॉक बोला, अच्छा क्या उसने उस तीसरे आदमी को ढूंढने का कोई तरीका सुझाया? अब नहीं मिस्टर होम्स, ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा। क्या उसने आपसे कुछ पैसा मांगा है? अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, क्या आपने इस टेलीफोन अपॉइंटमेंट के बारे में उसको कुछ बताया है? अब हाँ मिस्टर होम्स, ये तो मैंने बताया है। ये सुनकर होम्स कुछ पल के लिए खामोश बैठा रहा और कुछ सोचने लगा, और फिर अचानक से बोला, अच्छा मिस्टर गैरी डेप, क्या आपके कलेक्शन में कोई महंगी चीज है? बहुत ही कीमती। अरे कहाँ साहब, मैं कोई अमीर आदमी थोड़ी ना हूं। ये एक अच्छा कलेक्शन जरूर है पर कीमती तो बिल्कुल भी नहीं। शेरलॉक बोला, फिर भी मिस्टर गैरी डेप, आपको चोरों का तो डर होगा? चोरों का डर? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। इन चीजों को चुरा कर कोई चोर भला क्या करेगा। ओके मिस्टर गैरी डेप, आप इन कमरों में कब से रह रहे हैं? शेरलॉक ने पूछा। करीब 5 सालों से। बस तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हमारे क्लाइंट ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अमेरिकी वकील, वही दूसरा वाला गैरी डेप, कमरे में बड़े उत्साह के साथ घुस आया और हमारे क्लाइंट के सामने एक पर्चा लहराकर खुशी से चिल्लाया, बधाई हो मिस्टर नेथन गैरी डेप, अब आप एक अमीर आदमी हो चुके हैं। मुझे लगा कि आपको जल्द से जल्द ये खुशखबरी दे देनी चाहिए। हमारा काम अच्छी तरह से पूरा हो चुका है और सब कुछ ठीक है। और फिर उस अमेरिकी वकील गैरी डेप ने शेरलॉक की तरफ देखा और उससे कहा, और आपसे मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर हमने आपको बेकार में परेशान किया तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिर उस अमेरिकी वकील ने वो पर्चा हमारे क्लाइंट नेथन गैरी डेप को दे दिया। नेथन गैरी डेप ने उस पर्चे को गौर से देखा, वो एक इश्तेहार था। शेरलॉक और मैं भी आगे को झुके और उस इश्तेहार को पढ़ने लगे। उस पर्चे में लिखा था, हार्वर्ड गैरी डेप, कृषि मशीनरी के निर्माता। बाकी उनके द्वारा निर्मित मशीन्स के नाम लिखे हुए थे और उसमें उनका एड्रेस भी लिखा हुआ था, वो था ग्रॉस रीनर बिल्डिंग एस्टन।
उस इश्तेहार को पढ़ते ही हमारा क्लाइंट खुशी से झूम उठा। बहुत खूब, ये मिल गया हमारा तीसरा आदमी। वो दूसरा गैरी डेब, अमेरिकी वकील, वो बोला, मैंने बर्मिंघम में इंक्वायरी खोली थी और वहां के एक जासूस को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसी ने लोकल अखबार में से मुझे ये इश्तेहार भेजा है। अब हमें जल्द से जल्द इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने इस आदमी को लिख दिया है और उसे बताया है कि कल तुम दोपहर 4 बजे बाद उसके ऑफिस में जाकर उससे मिलोगे। मिस्टर नेथन गैरी डेब चौंक कर बोले, आप चाहते हैं कि मैं उससे जाकर मिलूं? वकील गैरी डेब बोला, हाँ क्यों नहीं, आप क्या कहते हैं मिस्टर होम्स? क्या आपको नहीं लगता कि यही समझदारी की बात होगी? आप इसे ऐसे समझिए कि मैं हूं एक भटकता हुआ अमेरिकी मुसाफिर एक अजीब सी कहानी के साथ। वो मेरी बात का यकीन क्यों करेगा भला? लेकिन आप हैं एक सॉलिड रेफरेंस वाले ब्रिटिश आदमी, वो आप पर यकीन जरूर कर लेगा। और अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, लेकिन कल मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। और वैसे भी अगर कोई परेशानी की बात हुई तो मैं तो आपके साथ हूँ ही। मिस्टर नेथन गैरी डेब बोले, लेकिन मैंने तो पिछले कई सालों से यात्रा नहीं की। तो क्या हुआ, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है मिस्टर गैरी डेब? मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। अगर आप 12 बजे वहां के लिए निकलेंगे तो 2 बजने के तुरंत बाद आप वहां पहुंच जाएंगे और तीसरे गैरी डेब से मिलने के बाद आप रात की ही गाड़ी से वापस लौट भी सकते हैं। आपने बस ये करना है कि आप वहां जाकर उस आदमी से मिलें, उसे सारी बातें समझाएं और फिर उससे एक एफिडेविट ले लें जिससे ये साबित हो सके कि वो आदमी असली है। आप जरा ये सोचने की कोशिश कीजिए मिस्टर नेथन, मैं अमेरिका से यहां तक का सफर तय करके आया हूं और इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूं, और आप सिर्फ 100 मील दूर जाने के लिए हिचकिचा रहे हैं। शेरलॉक बीच में बोला, मेरे ख्याल से जो ये सज्जन कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है मिस्टर नेथन, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। नेथन गैरी डेब ने एक असहज भाव के साथ अपने कंधे उचकाए और बेमन से बोले, ठीक है, अगर आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो मैं वहां चला जाऊंगा। वैसे भी आपने ये जो उम्मीद की किरण मेरे जीवन में पैदा की है, उसको देखते हुए आपके बताए किसी काम को ना कहना मेरे लिए मुश्किल है। अमेरिकी ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बोला, ओह तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल मैं आपको फोन करूंगा और बर्मिंघम जाने के लिए आपको सी ऑफ करूंगा, गुड बाय। इतना कहकर वो अमेरिकी वकील मिस्टर गैरी डेब कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही मैंने अपने दोस्त शेरलॉक की तरफ देखा। अब तक उसके चेहरे पर जो बेचैनी के भाव छाए हुए थे वो भाव अब एकदम गायब हो चुके थे। आपका कलेक्शन बेहद ही शानदार है मिस्टर गैरी डेब, काश मैं इसे पूरा ठीक से देख पाता। जिस तरह का मेरा पेशा है इसमें हर तरह की नॉलेज काम आ ही जाती है, और आपके कमरे में तो ऐसी नॉलेज का भंडार लगा हुआ है। शेरलॉक की ये बात सुनकर हमारे क्लाइंट मिस्टर नेथन गैरी डेब का चेहरा खिल उठा। मैंने हमेशा से आपके बारे में सुना था मिस्टर होम्स कि आप एक बेहद ही होशियार इंसान हैं। अगर आपके पास समय है तो मैं अभी आपको ये सब दिखा सकता हूँ। शेरलॉक बोला, अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है मिस्टर नेथन, लेकिन आपने इन सारे सैंपल्स को इतनी अच्छी तरह से अरेंज करके रखा है कि अगर आप नहीं भी होंगे तो भी मैं सारी चीजें आराम से समझ पाऊंगा। अगर कल मैं यहाँ आने का वक्त निकाल सकूं तो मेरे ख्याल से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। मिस्टर नेथन गैरी डेब तुरंत बोले, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भला क्या आपत्ति होगी, इस घर में आपका हमेशा स्वागत है। अब कल तो बेशक ये कमरा बंद रहेगा, लेकिन मिसेस सॉन्डर्स 4 बजे तक नीचे बेसमेंट में मौजूद रहेंगी और अपनी चाबी से आपके लिए गेट खोल देंगी। शेरलॉक बोला, ओह ठीक है, मैं कल 4 बजे तक यहाँ आ जाऊंगा। अच्छा होगा कि आप इस बारे में मिसेस सॉन्डर्स को बता दें। अब वैसे आपका हाउस एजेंट कौन है? इस अचानक से किए सवाल से हमारा क्लाइंट थोड़ा सा हैरान हो गया और फिर बोला, अब वो तो हॉलोवे और स्टील है, एजवियर रोड पर। अब लेकिन क्यों? शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल जब भी घरों की बात होती है तो मैं खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता हूँ। दरअसल मुझे ये जानना था कि ये घर क्वीन एनी स्टाइल में बना है या जॉर्जियन स्टाइल में। मिस्टर नेथन गैरी डेब बोले, ये जॉर्जियन स्टाइल का बना हुआ है। शेरलॉक बोला, अच्छा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। खैर चलिए अब हम चलते हैं, गुड बाय मिस्टर नेथन गैरी डेब। मिस्टर नेथन के घर से बाहर आकर हम उस हाउस एजेंट के ऑफिस की तरफ चल दिए जो पास में ही था, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे वो बंद हो चुका था।
इसलिए हम वापस बेकर स्ट्रीट की ओर चल दिए। रात के खाने के बाद शेलॉक ने ये टॉपिक वापस छेड़ा। उसने मुझसे कहा, हमारी ये छोटी सी समस्या खत्म होने की कगार पर आ गई है वॉटसन। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक तुम भी इस केस को अच्छी तरह समझ गए होगे। मैंने शेलॉक से कहा, शेलॉक, मुझे तो इसका सिर पैर कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी इस बात के जवाब में शेलॉक ने कहा, देखो वॉटसन, जो इस केस का सिर है वो तो स्पष्ट हो चुका है, और रही बात पैरों की तो वो कल दिखाई दे जाएंगे। वैसे वॉटसन, क्या तुम्हें उस विज्ञापन में कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया? मैंने कहा, हाँ, उसमें एक औजार प्लाउ की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। PLOUGH की जगह PLOW लिखा हुआ था। मेरी इस बात से शेलॉक के चेहरे पर एक चमक आ गई। वो बोला, वाओ, बहुत खूब वॉटसन, तुमने भी वो गलती नोटिस की। इसका मतलब अब धीरे धीरे तुम भी जासूस बनते जा रहे हो। कहीं मेरी नौकरी तो नहीं खाने वाले ना वॉटसन? वैसे इसमें एक और चीज है जो गौर करने वाली है। मैं बताता हूँ क्या। ब्रिटिश इंग्लिश के रूप में ये शब्द गलत था, लेकिन अगर हम अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से देखें तो PLOW एकदम सही शब्द है। दोनों शब्दों का एक ही मतलब होता है। प्रिंटर ने उसको बिल्कुल वैसा ही छाप दिया जैसा उसको लिख कर दिया गया था। फिर उस विज्ञापन में एक और चीज लिखी गई थी, बकबोर्ड। वो भी अमेरिकन कंसेप्ट है, और आर्टिसियन कुएं जो हमारे मुकाबले वहां ज्यादा आम है। ये एक खास अमेरिकी विज्ञापन था, और दावा किया जा रहा था कि ये ब्रिटिश फर्म का एक विज्ञापन है। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है वॉटसन? मैंने शेलॉक से कहा, शेलॉक, मुझे ऐसा लगता है कि इसे खुद अमेरिकी वकील ने छपवाया है, मगर ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या रहा होगा ये मुझे समझ में नहीं आया। शेलॉक बोला, इस बात के एक से ज्यादा स्पष्टीकरण हो सकते हैं वॉटसन, मगर असली बात यह है कि वो किसी भी तरह से उस पुराने फॉसिल को बर्मिंघम भेजना चाहता है, और इस बात पे मुझे पूरा यकीन है। एक बार तो मेरा मन किया कि मैं मिस्टर नेथन गैरीडेप को बता दूं कि बर्मिंघम जाके उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे जाने देकर अमेरिकी के लिए रास्ता साफ कर देना ही बेहतर होगा। अब तुम कल तेल देखना और तेल की धार देखना वॉटसन। अगली सुबह शेलॉक जल्दी उठा और कहीं चला गया। दिन में लंच के वक्त जब वो वापस लौटा तो उसके चेहरे में बहुत गंभीर भाव थे। मैंने शेलॉक से पूछा, शेलॉक, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? शेलॉक बोला, ये मेरी अपेक्षा से कुछ ज्यादा ही गंभीर और खतरनाक मामला है वॉटसन। मैंने शेलॉक को हिम्मत दिलाने के मकसद से कहा, हाँ, तो इसमें कौन सा नई बात है? पहले भी तुमने कई ऐसे मुश्किल केसेस को हल किया है, वैसे इस बार क्या खतरा है? शेलॉक बोला, मैंने लॉ काउंसलर मिस्टर जॉन गैरीडेप की असली पहचान के बारे में पता कर लिया है। वो और कोई नहीं, खूनी इवांस है, जिसकी छवि बहुत खतरनाक और एक क्रूर किस्म के हत्यारे की है। मैंने शेलॉक से कहा, शेलॉक, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे सिर्फ एक वाक्य से सब समझ जाऊंगा? कृपया करके मुझे खुलकर बताओ, कौन है ये खूनी इवांस? अपनी याददाश्त में एक पोर्टेबल न्यूगेट कैलेंडर रखना तुम्हारे पेशे का हिस्सा नहीं है वॉटसन, तो इसलिए मुझे तुम्हें खुलकर ही समझाना पड़ेगा। मैं स्कॉटलैंड यार्ड में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड से मिलने गया था। उनके पास दिमाग और अंतर्दृष्टि की तो कमी हो सकती है, मगर सिस्टमैटिक ढंग से काम करने के मामले में वो पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि उनके रिकॉर्ड में हम अपने इस अमेरिकी दोस्त को खोज सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मैंने वहां अपराधियों की पोर्ट्रेट गैलरी में उसका मुस्कुराता हुआ गोल मटोल चेहरा देख लिया। उसकी तस्वीर के नीचे उसके नाम लिखे हुए थे, जेम्स विंटर उर्फ मोरक्रॉफ्ट उर्फ किलर इवांस। इसके बाद शेलॉक ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और बोला, मैंने उनके रिकॉर्ड में से उसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, ये देखो। उम्र 48 साल, शिकागो का मूल निवासी है ये। इसने अमेरिका में 3 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिस वजह से इसको जेल भी हुई थी, लेकिन राजनीतिक पहचान के कारण ये कैद से बाहर निकल आया। फिर ये 1893 में लंदन आ गया। जनवरी 1895 में वाटरलू रोड के नाइट क्लब के अंदर हो रहे झगड़े में इसने एक आदमी को गोली मार दी, जिसमें गोली लगने वाले आदमी की मौत हो गई, लेकिन अदालत में ये कहा गया कि गोली उसी आदमी ने चलाई थी जिसकी मौत हुई है।
इवांस ने तो सिर्फ आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन किलर इवांस के पुराने रिकॉर्ड्स को देखकर अदालत ने उसका यकीन नहीं किया और उसको सजा हुई। मारे गए आदमी की पहचान हुई रॉजर प्रेस्कॉट के रूप में, जो शिकागो में जालसाजी और नकली करेंसी बनाने के मामले में प्रसिद्ध था। 1901 में किलर इवांस को जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन तब से ये पुलिस की निगरानी में है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो तब से एक ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो खतरनाक भी है। वो अपने पास हमेशा हथियार रखता है और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब तो तुम समझ ही गए होगे वॉटसन कि यही हमारा पंछी है और हमने इसी को कैद करना है। शेरलॉक की ये पूरी कहानी सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया। मैंने पूछा, लेकिन शेरलॉक इस बार उसका खेल क्या है, वो चाहता क्या है? शेरलॉक बोला, वॉटसन मैं मिस्टर नेथन गैरीडेप के हाउस एजेंट के पास गया था और जैसा कि मिस्टर नेथन गैरीडेप ने बताया था कि वो पिछले 5 सालों से उस घर में रह रहे हैं। उससे 1 साल पहले तक वो मकान खाली था, लेकिन उससे पहले वहाँ एक आदमी किराए में रहता था। उसका नाम था वॉल्ड्रॉन। हाउस एजेंट के ऑफिस में सभी लोगों को वॉल्ड्रॉन अच्छे से याद था। उन्होंने बताया कि वॉल्ड्रॉन एक दिन अचानक से गायब हो गया था और उसके बारे में फिर कभी पता नहीं चला। वो एक लंबा काला दाढ़ी वाला आदमी था और स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार जिस आदमी को नाइट क्लब के अंदर किलर इवांस ने गोली मारी थी वो भी लंबा काला दाढ़ी वाला आदमी था, जिसका नाम रॉजर प्रेस्कॉट था, वही शिकागो का अपराधी। तो अब इस काम चलाओ थ्योरी के अनुसार मेरे ख्याल से हम ये मान सकते हैं कि रॉजर प्रेस्कॉट वो अमेरिकन अपराधी उसी घर में रहता था जिस घर में हमारा ये निर्दोष क्लाइंट अपना म्यूजियम बनाए हुए है। तो इस तरह हमें यहाँ पर हमारा पहला लिंक मिल जाता है। मैंने पूछा, और दूसरा लिंक? शेरलॉक बोला, उसके लिए हमें अभी जाकर तलाशी लेनी होगी, चलो। ऐसा कहकर शेरलॉक ने ड्रॉर में से एक रिवॉल्वर निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। शेरलॉक बोला, मेरे पास भी अपना रिवॉल्वर है। अगर हमारे इस वाइल्ड वेस्ट मित्र ने हमारे साथ वाइल्ड होने की कोशिश की तो हमें भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अभी अगर तुम 1 घंटे के लिए झपकी लेना चाहते हो वॉटसन तो ले लो, उसके बाद हम राइडर स्ट्रीट पर अपने खतरनाक एडवेंचर के लिए चल देंगे। कुछ 1.5 घंटे बाद जब हम मिस्टर नेथन गैरीडेप के घर पर पहुंचे तब 4 बज रहे थे। उस घर की केयर टेकर मिसेस सॉन्डर्स वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन हमें देखकर उसने उस कमरे का गेट खोलने में जरा भी आपत्ति नहीं दिखाई, क्योंकि उस दरवाजे में स्प्रिंग लॉक लगा हुआ था और शेरलॉक ने वादा किया था कि वापस जाने से पहले हम सब कुछ अच्छे से चेक करके दरवाज़ा अच्छे से बंद करके जाएंगे। कुछ ही समय बाद बाहर का दरवाज़ा बंद हो गया और मिसेस सॉन्डर्स वहाँ से चली गई। अब हम दोनों वहाँ पर अकेले थे। होम्स ने जल्दी जल्दी चारों तरफ मुआयना किया। एक अंधेरे कोने में एक अलमारी थी जो दीवार से थोड़ी दूर खड़ी थी। हम दोनों उसी के पीछे जाकर छिप गए। शेरलॉक ने मुझे बताया, देखो वॉटसन, ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि वो मिस्टर नेथन को इस कमरे से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि आमतौर पर मिस्टर नेथन इस कमरे से बाहर जाते ही नहीं थे, तो ऐसा करने के लिए ही उसे ये सारी योजना बनानी पड़ी। ये गैरीडेप के वसीयत वाली जो कहानी है ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ ये था कि वो मिस्टर नेथन गैरीडेप को इस कमरे से बाहर निकाल सके। मैंने शेरलॉक से पूछा, लेकिन शेरलॉक वो इस कमरे को खाली करवाना क्यों चाहता था? शेरलॉक बोला, बस यही पता लगाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वॉटसन, इसका हमारे क्लाइंट मिस्टर नेथन से कोई लेना देना नहीं है। ये असल में उस आदमी से जुड़ा हुआ है जिसकी उसने हत्या की थी, जो शायद किसी अपराध में उसका सहयोगी रहा होगा। अब जो भी रहस्य है वो इसी कमरे में है। पहले तो मुझे ये लगा था कि मिस्टर नेथन के कलेक्शन में ऐसी कोई चीज़ है जो मिस्टर नेथन की नज़रों में तो मूल्यवान नहीं है, लेकिन एक अपराधी की नज़र में बेशकीमती है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि रॉजर प्रेस्कॉट इस कमरे में रहता था तो मुझे लगा कि ये रहस्य कुछ और ही है। अब हमें अलमारी के पीछे छिपकर उसका इंतज़ार करना है और देखना है कि यहाँ आकर वो करता क्या है। बस उसके कुछ देर बाद बाहर के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर हम दोनों अलमारी के पीछे और सिमट गए। थोड़ी देर में उस कमरे का दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से अंदर आया वही अमेरिकी अपराधी किलर इवांस। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और कमरे में चारों तरफ निगाह डाली, ये देखने के लिए कि सब कुछ सुरक्षित है।
उसके बाद उसने अपना ओवरकोट उतारा और तेज कदमों से चलता हुआ सेंटर टेबल की तरफ बढ़ा, मानो जैसे वो अच्छी तरह जानता हो कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। उसने जोर लगाकर उस सेंटर टेबल को एक तरफ धकेला और उसके नीचे बिछी कालीन को एक तरफ हटाया। फिर अपनी जेब से कुछ औजार बाहर निकालकर वो फर्श पर घुटने टेक कर बैठ गया और फिर जमीन में लगे लकड़ी के फट्टों को उखाड़ने लगा। देखते ही देखते कुछ देर बाद तख्तों के नीचे एक चौकोर रास्ता बन गया। किलर इवांस ने एक माचिस जलाकर एक मोमबत्ती जलाई और फिर फर्श पर बने उस रास्ते में घुसकर हमारी नजरों से ओझल हो गया। अब ये हमारे लिए एक्शन का वक्त था। संकेत के रूप में शेलॉक ने मेरी कलाई को छुआ और फिर हम दोनों अलमारी से बाहर निकलकर जमीन में बने उस दरवाजे की तरफ गए। हमारे आगे बढ़ने से फर्श पर लगे लकड़ी के फट्टे चरमराने लगे और उस आवाज को सुनकर हमारे अमेरिकी दोस्त ने फर्श पर खुले हुए उस रास्ते से अपना सिर बाहर निकाला और जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी तो उसके चेहरे पर एकदम से गुस्से के भाव उभर आए और फिर धीरे धीरे वो भाव बदलकर एक शर्मनाक मुस्कान में तब्दील हो गए, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके सिर पर दो पिस्तौलें तनी हुई थी। और उसके बाद वो शातिर अपराधी किलर इवांस उस गड्ढे से बाहर निकलकर शांत स्वर में बोला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा शातिर निकले मिस्टर होम्स। तुमने मेरे खेल को अच्छी तरह समझकर मेरी चाल के ऊपर ही चाल चल दी, वेरी इंप्रेसिव। खैर जो भी हो, अब मैं सरेंडर करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपने मुझे हरा दिया है। बस ऐसा बोलते बोलते ही उसने बड़ी ही फुर्ती से अपने सीने से एक रिवॉल्वर निकाली और हमारी तरफ दो गोलियां दाग दी। मुझे अचानक से ऐसा एहसास हुआ मानो जैसे किसी ने मेरी जांघ पर एक गर्म लोहे की सरिया घुसा दी हो। बस उसी वक्त शेलॉक ने अपनी पिस्तौल से उसके सिर पर तेजी से वार किया और उस वार से किलर इवांस चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके सिर से बुरी तरह खून बहने लगा। शेलॉक ने आगे बढ़कर उसकी पिस्तौल छीन ली और अगले ही पल मैंने महसूस किया कि मेरे दोस्त की मजबूत बाहें मेरे चारों तरफ लिपटी हुई थी। वो मुझे संभाल कर एक कुर्सी की ओर ले जा रहा था। शेलॉक ने मुझसे कहा, वॉटसन वॉटसन तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? एक जख्म की कीमत पर यह बहुत ही सस्ता सौदा था। इसके लिए मैं एक नहीं बीसियों घाव सह सकता था। अपने दोस्त की आंखों में अपने लिए प्यार और चिंता देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे उस हाल में देखकर मेरे प्यारे दोस्त की आंखें गीली हो रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। पहली बार मैंने एक तेज दिमाग जासूस का कोमल हृदय देखा था। मेरे वर्षों के गिले शिकवे उस एक पल में समाप्त हो गए थे। मैंने शेलॉक से कहा, कुछ नहीं शेलॉक, ये बस हल्की सी खरोंच है। शेलॉक ने अपनी जेब से एक पॉकेट नाइफ निकाला और घाव वाली जगह में से मेरी पैंट फाड़ दी और बोला, ओह थैंक गॉड, ये सिर्फ एक खरोंच है। शुक्र है कि गोली तुम्हें सिर्फ छू कर निकली है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है तो तुम यहां पर आराम से बैठो। फिर उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया और उसने पलट कर हमारे कैदी की तरफ देखा, हत्यारा इवांस, जो अभी हैरान चेहरे के साथ जमीन पर बैठा हुआ था। शेलॉक उससे बोला, आज तुम बच गए इवांस। अगर मेरे दोस्त वॉटसन को कुछ भी हो जाता तो मैं तुम्हें इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं निकलने देता। अब बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? शेलॉक की इस बात पर इवांस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वो चुपचाप हमें घूरता रहा। शेलॉक की बाह का सहारा लेकर मैं खड़ा उठा और हम दोनों ने मिलकर जमीन में बने उस तहखाने में झांका। उसमें अभी भी इवांस की जलाई हुई मोमबत्ती जल रही थी। उसकी रोशनी में हमें नजर आई कुछ जंग लगी मशीनरीज, कुछ कागज के रोल्स, कुछ बोतलें और एक मेज पर बहुत ही करीने से व्यवस्थित नोटों के बंडल्स। उन सभी चीजों को देखकर शेलॉक बोला, ओह ये तो एक प्रिंटिंग प्रेस है, नकली नोट छापने की मशीन। क्यों, सही कहा ना मिस्टर इवांस? जी हाँ सर, अपने पैरों पर डगमगाता हुआ इवांस बोला। उसके बाद वो एक कुर्सी पर गिर गया। उसके बाद इवांस ने बोलना शुरू किया, ये मशीन प्रेस्कॉट की है, रॉजर प्रेस्कॉट। वो इंग्लैंड का अब तक का सबसे बड़ा जालसाज था और मेज पर पड़े वो नोटों के बंडल्स वो भी प्रेस्कॉट ने ही तैयार किए थे। 100-100 के पूरे 2000 नोट्स हैं ये, और ये इतने असली दिखाई देते हैं कि इन्हें कहीं पर भी चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपको इनमें से जितने चाहे नोट्स चाहिए ले लीजिए,
लेकिन मुझे यहां से जाने दीजिए। शेरलॉक जोर से हंस पड़ा और बोला, हम इस तरह की चीजें नहीं करते हैं मिस्टर इवांस। इस कंट्री से भागने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, इस आदमी प्रेस्कॉट को तुम ही ने मारा था ना? इवांस बोला, जी हाँ, और उसके लिए 5 साल मैं जेल में भी काट कर आया हूँ। हालांकि वो सजा उसको होनी चाहिए थी क्योंकि पहली गोली उसने चलाई थी। मुझे तो उसको मारने के लिए सरकार की तरफ से मेडल मिलना चाहिए था, क्योंकि वो आपकी सरकार को चूना लगा रहा था। जिस तरह के नकली नोट वो छापता था, उन नोटों में और बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों में कोई भी फर्क नहीं निकाल सकता। अगर मैंने उसको नहीं मारा होता तो वो इस पूरे लंदन को नकली नोटों से भर देता। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं था जो जानता था कि वो इन सारे नकली नोटों को कहां बनाता था। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहां आने के लिए क्यों इतना बेचैन था, और आप अब ये भी समझ गए होंगे कि उस समय मुझे कैसा लगा होगा जब मुझे ये पता चला कि एक अजीब से नाम का पागल उल्लू इस जगह पर रहता है, और ये अड़ियल आदमी इस जगह से कभी बाहर नहीं निकलता। उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए मैंने ये सारा नाटक रचा। इससे तो अच्छा होता कि मैं उसे गोली मारकर रास्ते से ही हटा देता। ये काम मेरे लिए आसान होता, लेकिन मेरा दिल तो बहुत ही नरम है। मैं तब तक गोली नहीं चला सकता जब तक सामने वाला मुझ पर वार नहीं करता। अब आप ही बताइए मिस्टर होम्स कि मैंने इसमें क्या गलत किया है। वैसे भी मैंने इस प्लांट का आज तक कोई इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इसे एक भी नोट नहीं छापा, और मैंने उस बुड्ढे को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, और ना ही मैंने उसका कोई नुकसान किया है। तो इस सब में मेरा दोष भला है कहां? शेरलॉक कड़े स्वर में बोला, इस सब में तुम्हारा दोष है इवांस। तुमने 2 लोगों की जान लेने की कोशिश की है, मेरी और मेरे दोस्त वॉटसन की। इसे कहते हैं अटेम्प्टेड मर्डर, यानी कि हत्या की कोशिश, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है इवांस। बाकी का काम स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस कर लेगी, वो इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये थे हत्यारे इवांस के बारे में सारे तथ्य और 3 गैरी डेप्स के वसीयत के पीछे की असली कहानी। कुछ समय बाद हमें हमारे क्लाइंट मिस्टर नेथन गैरी डेप के बारे में पता चला कि वो अपने टूटे हुए सपने के सदमे से कभी बाहर नहीं निकल सके। हमें बस इतनी ही खबर मिली कि आखिरी बार उसे ब्रिक्सटन के नर्सिंग होम में देखा गया था। हत्यारे इवांस की गिरफ्तारी के बाद स्कॉटलैंड यार्ड में खुशी का माहौल था, क्योंकि उन लोगों ने रॉजर प्रेस्कॉट की नकली नोट छापने वाली मशीन को बरामद कर लिया था। पहले वो ये तो जानते थे कि नकली नोट छापने की मशीन है, मगर वो ये नहीं पता लगा पाए थे कि असल में ये मशीन कहां पर छुपाई गई है। इवांस की मेहरबानी से अब वो चैन की सांस ले सकते थे। यहां तक कि वो लोग उस मेडल के लिए भी सिफारिश करने को खुशी खुशी तैयार हो जाते जो हत्यारे इवांस को लगता था कि उसे मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि अदालत ने इस बारे में उस नज़र से नहीं सोचा और हत्यारे इवांस को उसी जगह भेज दिया जहां से वो कुछ साल पहले बाहर निकला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।